गुड मॉर्निंग। न्यू क्वेश्चन, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर ए बी सच दैट बी इक्वल ए प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक आर ट्रांजिटिव। आंसर, हियर सेट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6 and r equal a b such that b equal a plus 1. By b equal a plus 1 put, इसमें हम रखेंगे a की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, तो b की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 2 3 4 5 6 7। पुट ए इक्वल 1 2 3 4 5 6, देन बी इक्वल 2 3 4 5 6 7 एंड वी गेट एज ए रिलेशन ऑफ सबसेट 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 and 6 7। Here clear 1 1 2 2 -- as a r a यहाँ पर उपस्थित नहीं है, 1 1 2 2 3 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है इस रिलेशन के द्वारा, इसलिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कोई भी चीज़ ए की वैल्यू जब सेम रहती है, ए और बी यदि बराबर रहते हैं तो उन्हें स्वतुल्य भी कहा जाता है, इसी ये रिफ्लेक्सिव के रूप में है। रिफ्लेक्सिव मीन्स स्वतुल्य। इसके बाद सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए आवश्यक है 1 2 प्रेजेंट है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 प्रेजेंट है 3 2 होना चाहिए, 3 4 4 3 4 5 5 4, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 ये तो प्रेजेंट है, पर 2 1 3 2 4 3 5 4 5 6 है 6 5 6 7 है 7 6 प्रेजेंट नहीं है। 1 2 प्रेजेंट बट 2 1 नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट देयरफोर आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पर 1 2 और 2 3 प्रेजेंट है, परंतु 1 3 प्रेजेंट नहीं है। 1 2 2 3 प्रेजेंट बट 1 3 ये कॉमन होना चाहिए और 1 3 इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। इसी प्रकार 2 3 3 4 प्रेजेंट, परंतु यहाँ पर 2 4 प्रेजेंट नहीं है, 4 4 कॉमन हो रहा है, 3 4 प्रेजेंट, 4 5 प्रेजेंट, पर 3 5 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। देयरफोर क्वेश्चन इज क्लियर्ड। कि आर वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आर जो है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है,
ये रिलेशन, ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। रिलेशन आर ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज आर आर एक्स वाई सच डेट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर डिटरमाइंड अबाउट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसके लिए आपको ये बताना है कि इंटीजर्स मीन से प्लस माइनस के नंबर होते हैं, जैसे मतलब 0 माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री से इन्फाइनिट हो जाएगा, और यहाँ प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री से भी पॉजिटिव के इन्फाइनिट जाएगा। तो ये है यहाँ पर। तो आपका जो आंसर स्टार्ट होता है यहाँ पर कि क्वेश्चन में जेड मीन से यहाँ पर 0 प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू डैश डैश टू इन्फाइनाइट, प्लस माइनस के लिए रह गए इन्फाइनाइट में दोनों साइड, और यहाँ पर आपको एक्स माइनस वाई से हम डिसाइड करेंगे। तो एक्स माइनस वाई है, तो यदि हम एक्स एक्स लेते हैं, एक्स एक्स सबसेट लेते हैं, तो इंटीजर्स में मीन से वन वन टू टू इवन माइनस वन माइनस वन कोई भी नंबर सेम नंबर नेगेटिव लेते हैं, तो इनका जो डिफरेंट है एक्स माइनस एक्स इक्वल 0 आता है। तो 0 इज ए इंटीजर, इंटीजर। इस तरह से यह क्वेश्चन में आर इज ए रिफ्लेक्सिव, ये आर इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद आपको ये देखना है कि सिमेट्री के लिए चेक करना है। सिमेट्री के लिए आपके पास इंटीजर के कोई भी दो नंबर होने चाहिए, जैसे एक्स एंड वाई लिया एंड वाई एक्स भी लिया, मतलब वन टू ले लिया और टू वन ले लिया। तो एक्स माइनस वाई से यदि आपको आंसर सपोज करते हैं कि प्लस जेड वन आता है इंटीजर के रूप में, तो वाई माइनस एक्स लेंगे तो हमको यहाँ पर एक्स माइनस वाई मतलब ये नेगेटिव जेड बनाएगा। ये भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है। इस तरह से दोनों कंडीशन सही है। जैसे आपने आपने कोई भी एक नंबर वन टू एंड टू वन लिया, तो यहाँ पर वन माइनस टू माइनस वन, टू माइनस वन प्लस वन, और दोनों इंटीजर्स हैं यहाँ पर। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन है आर इज सिमेट्रिक, आर इज सिमेट्रिक, ये सही हुआ सिमेट्रिक। अब आपको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा क्योंकि एक्स से वाई एंड वाई जेड लिया जाएगा, वाई इसमें कॉमन रहेगा। तो आपको यदि मान लो ये आपका यहाँ पर इंटीजर्स दे रहा है एक्स माइनस वाई जेड वन, इसका आंसर आया और ये इंटीजर है, और वाई जेड से वाई माइनस जेड ये भी एक इंटीजर है, ये है। तो हमको ये बताना है कि क्या एक्स जेड को भी ये फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो आप इसको सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल होता है एक्स माइनस जेड और यहाँ जेड वन प्लस जेड टू, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज आल्सो इंटीजर्स, ये न्यू टाइप का इंटीजर आ गया है बिलोंग टू जेड इंटीजर्स। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स जेड भी प्रेजेंट है, इज आल्सो प्रेजेंट। इस तरह से ये जो रिलेशन है आर जो दिया गया है आपको क्वेश्चन में, एज आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, ट्रांजिटिव। इस तरह से ये क्लियर हो जाता है कि ये ट्रांजिटिव भी है, और ये रिलेशन क्लियर हो गया कि इंटीजर से जो क्वेश्चन है ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये रिलेशन चैप्टर से बहुत अच्छा है, क्लास 12th के लिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझदारी से इसको पता लगा सकते हैं, कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं।
हाउ डू यू फील सॉल्विंग बाय माय प्रॉब्लम्स एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, थैंक यू।